और सुना बिटिया, सब ठीक है मम्मी? अब फिर ले आई क्या? हाँ मम्मी, इतने पैसे खर्च करके तो खरीदे जाते हैं, अब ऐसे कैसे किसी को भी दे दूँ। अच्छा किया, और सही तो है, अब तूने इतने पैसे खर्च किए, कम से कम पैसे तो वसूल हो उनके। भाभी नहीं आई मम्मी अभी तक? अरे प्रिया कहाँ रह गई, चाय बना रही है बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक ना बनी। भाभी ये सूट तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बता, क्या घिस गया है इसका, नया का नया ही तो है। और देख बेटा तू है ना वैसे खर्चा कम क्या कर, कपड़ों पे बहुत खर्चा करती है तू। मम्मी मेरा ना कपड़ों से बहुत जल्दी मन भर जाता है, 3-4 बार पहन लूं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बार पहन लिए। अब मम्मी इतने महंगे सूट इधर उधर किसी काम वाली को भी नहीं दे सकती, कम से कम भाभी पहन कर इन्हें पैसे तो वसूल कर देती हैं, है ना भाभी? और हाँ भाभी, अब की बार तो मैं आपके लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ, वो भी एक से बढ़कर एक, आप पहन लेना। और वैसे भी मेरे तो कपड़े नए से ही रहते हैं। सही है बेटा, और वैसे भी तेरी भाभी कौन सा मना कर रही है, और ऐसे तो है ना एक दूसरे के कपड़े पहनने से आपसी प्यार बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है, भगवान करे तुम दोनों नंद भाभी का रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे। बहू जा देख तेरी नंद कौन कौन सी साड़ियाँ लेकर आई है तेरे लिए, खोल के तब देख ले। मुझे ज़रा रसोई में काम है, अभी बाद में देख लूँगी। तो ठीक है, जब पहले काम कर ले तू अपना। अरे मम्मी मेरे ना ध्यान नहीं रही, मेरे पास ना 3-4 ना आर्टिफिशियल सेट भी रखे हुए हैं, अगली बार आऊँगी ना तो वो ले आऊँगी। हाँ पर एक दो में ना जैसे नग होते हैं ना वो उतरे पड़े हैं, तो वो भाभी उनको चिपका लेंगी, बढ़िया लगेंगी उन पर। कोई नहीं बेटा, अगली बार आए तो ले आना, तेरा तो वैसे भी चक्कर लगता ही रहता है यहाँ का। हाँ अगली बार आऊँगी ना तो मैं पक्का ले आऊँगी, मेरा भी ना उन सेट से मन भर गया है। तू और तेरा मन। अच्छा मम्मी अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। भाभी सूटकेस ले आओ मेरा, वो नहीं दूंगी मैं आपको। ये लो दीदी आपका सूटकेस। अच्छा मम्मी चलूं? अरे भाभी आपने सूटकेस खाली नहीं किया? नहीं दीदी, आपके कपड़े तो ना मैंने सारे उठा के रख लिए हैं, पर है ना मैंने आपकी बार है ना अपनी कुछ है ना साड़ियाँ इसमें रख दी, वो मैंने बस 1-2 बार पहनी है, तो आप पहन लेना। भाभी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके उतरे हुए कपड़े पहनूंगी? आपने क्या मेरे को ऐसा वैसा समझा हुआ है, मैं आपकी उतरन पहनूंगी? लो दीदी इसमें उतरन वाली बात कहाँ से आ गई, और वैसे भी एक दूसरे के कपड़े पहनने से ना प्यार बढ़ता है और रिश्तों में है ना मजबूती आती है ना मम्मी जी? भाभी प्यार गया चूल्हे में, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी उतरन पहनूंगी? मैंने आज तक किसी की भी उतरन नहीं पहनी है, समझी आप? तो दीदी आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपकी उतरन पहनूंगी? अरे आप हर बार आओगी, हर बार सूटकेस भर के ले आओगी और अपने पुराने कपड़े दे जाओगी मुझे, आपने क्या मुझे ऐसा वैसा लगा रखा है? मैं मम्मी से कहूँ तो मम्मी मुझे फटाक से दिखा देती है कि देख तेरी अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से। अरे नए कपड़े पहनने का क्या आपको ही हक है, मुझे नहीं है? मैं रिश्ते का लिहाज करके रह जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, क्या बुरा मानना, पर आपका तो हर बार का ही हो गया है। हाय फ्रेंड्स, आज की जो ये कहानी है वो मेरी एक फ्रेंड ने बताई है, वो आप में से ही एक है। वो इस कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कई बार बहू केवल रिश्ते का लिहाज करके ये सोच के कि परिवार में कलेश ना हो वो सब कुछ चुपचाप सहती चली जाती है, जो चीज़ उसे ना पसंद हो उसे भी वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, पर कुछ लोग उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते चले जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, धन्यवाद।